आपको क्या लगता है या आपका क्या मानना है कि जिंदगी कहाँ से शुरू होती है? क्या ये गर्भ से शुरू होती है या जब आप जन्म लेते हैं या कब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है? अब आप चीजों की कल्पना कर रहे हैं। वैसे मैंने कई लोगों से सुना है जो कुछ भी मुझे पता है, या आप इसे मेरी कंडीशनिंग कह सकते हैं? फिलहाल मैं आपके अपने और यहाँ बैठे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आप आत्मा नाम के किसी और आदमी को बीच में ला रहे हैं। चलिए जीवन शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आत्मा शब्द कुछ ज्यादा ही दूषित है। आप जानते हैं कि लोग सोलमेट्स ढूंढ रहे हैं। ये बिल्कुल सीधी बात है कि आपके शरीर को साथी की जरूरत है, आपके दिमाग को साथी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आत्मा अगर वो पूर्ण है तो पक्की बात है कि उसे साथी की जरूरत नहीं होगी, है ना? तो चलिए इसे जीवन कहते हैं। ठीक है, इस शब्द के बुरे उपयोग कम हुए हैं। जीवन शरीर के साथ ऐसे ही नहीं जुड़ता, ये एक प्रक्रिया की तरह होता है। जब भी कोई औरत या मां गर्भ धारण करती है, दो छोटे छोटे सेल एक दूसरे से जुड़ते हैं, फिर उनसे एक मांस का गोला बनता है। इस मांस के गोले को जीवन बनने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए लगभग 40 से 48 दिनों के बीच इसमें जीवन की प्रक्रिया प्रवेश करती है। मुझे नहीं पता कि मेडिकल ओपिनियन क्या है, क्या यहाँ कोई डॉक्टर्स हैं? ओके, ऑलराइट। मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ। 40 से 48 दिनों के बीच वो समय है जब आप प्रवेश करते हैं। There are some lives which enter later. कुछ ऐसे जीवन भी होते हैं जो बाद में प्रवेश करते हैं। मान लीजिए ये ऐसे चीज है जिसे एक औरत या माँ महसूस कर सकती है, अगर हम उन्हें थोड़ी ट्रेनिंग दें। अगर वो देखती है कि जीवन ने 48 दिनों के बाद प्रवेश किया है, तो आप सच में किसी खास प्राणी को जन्म देने वाली हैं, क्योंकि इस जीवन को अंदर सेटल होने में वक्त लगेगा। कोई बहुत ही असाधारण जीवन जन्म लेने वाला है। आपने सुना होगा कि किसी ने गौतम की माँ को देखा और कहा कि आप एक असाधारण प्राणी को जन्म देने जा रही हैं। किसी ने यशोदा को देखा और कहा कि आप एक जबरदस्त प्राणी को जन्म देने वाली हैं। इसका कारण ये है कि जब आप देखते हैं कि गर्भ धारण करने के 48 दिनों के बाद भी जीवन ने प्रवेश नहीं किया है, बल्कि इसके कुछ दिन बाद प्रवेश किया है, तो इसका मतलब है कि आप एक असाधारण जीव के आने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? अगर मैं इसकी पेचीदगी को समझाने की कोशिश करूंगा तो आप कहीं और चले जाएंगे, पर सामान्य जीवन 40 से 48 दिनों के बीच प्रवेश करता है। अब इसके बाद अगर किसी कारण से, आखिरकार गर्भ वो फैक्ट्री है जहां शरीर का निर्माण होता है, किसी कारण अगर शरीर वैसा नहीं बन पाता कि वो उपयुक्त हो इस जीवन के लिए या किसी भी जीवन के लिए, तो जीवन डिलीवरी से पहले ही उसे छोड़ने का फैसला कर लेता है, तो ये शिशु मरा हुआ पैदा होता है। या कभी कभी किसी भी मजबूरी की वजह से एक माँ अपने बच्चे को गिराने का फैसला करती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इस प्रक्रिया में इस जीवन का उस शरीर के साथ जुड़ाव असल में लगभग 84 से 90 दिनों के बीच होता है, तभी जीवन पूरी तरह से जुड़ता है। तब तक ये उसे परख रहा होता है, वो देख रहा होता है कि ये अनुकूल है या नहीं, ये गर्भ सही जगह है या नहीं। ये जागरूकता के साथ नहीं होता, ये अचेतना में बस प्रवृत्तियों के अनुसार वो देखता है कि गर्भ उससे मेल खाती है या नहीं। इसके लिए सही शब्द होगा, पारंपरिक तौर पर हम इसे वासना कहते हैं। आप एक ऐसा शरीर ढूंढते हैं जो आपकी वासनाओं से मेल खाए। तो हालांकि ये अभी आधा जुड़ चुका है, पर फिर भी 90 दिन से पहले वो छोड़कर जा सकता है। 84 से 90 दिनों के बीच जीवन पूरी तरह से जुड़ जाता है। उसके बाद से वो सचमुच एक बच्चा बन जाता है, वो सचमुच एक जीवन बन जाता है।